इससे पहले हमने जो कुछ प्रॉपर्टीज की थी वहाँ पे कोस का और साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज किया था, तो मैंने इसका फॉर्मूला तो नहीं बताया था अभी तक, ठीक है। मैंने बताया था वहाँ पे कि इसका फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ जब प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसमें इस फॉर्मूले का हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है हमें, कोस ओमेगा नोट टी को या साइन ओमेगा नोट जिसका भी निकालना, पहले उस पर आयलर फॉर्मूले से उसको लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं बता दूँ क्या होता है आयलर फॉर्मूला, जो होता है साइन थीटा जो होता है, अगर हमें उसे लिखना है तो वो क्या होता है, सॉरी हम कोस के लिए कर रहे हैं, साइन के लिए आप करेंगे। कोस थीटा जो होता है क्या होता है, ई की पावर जे थीटा, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन टू, ये होता है, ठीक है। इसे और दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू ई की पावर जे थीटा, वन अपॉन टू ई की पावर माइनस जे थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोस ओमेगा नोट टी का निकालना, यानी और थीटा क्या कितना, ओमेगा नोट टी, तो इससे हम कोस ओमेगा नोट टी को कैसे लिख लेंगे, कोस ओमेगा नोट टी को कैसे लिख लूंगा मैं, वन अपॉन टू ई की पावर ओमेगा नोट टी प्लस वन अपॉन टू ई की पावर माइनस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, जे भी तो होता है, ठीक है, जे मत भूल जाना, नहीं तो हाइपरबोलिक का बन जाएगा। यहां तक बात पहुंच गई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा हमें दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये पहला वाला एक ये, तो हम क्या करें अलग अलग दोनों का निकाल लेते हैं, फिर क्या कर लेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी से दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो उसका करने के लिए हम क्या पहले क्या करेंगे, उससे भी करने से पहले हम करने वाले हैं, पहले हमें पता तो होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसे फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई से यूज करता हूँ तब ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो कहाँ से स्टार्ट करना, हमें पता है डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कितना होता है, वन होता है, कितना होता है, वन, ठीक है। अब डुअल ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी का यूज करो तो ये वन आ जाएगा इधर, ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, टू पाई, और टी को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस ओमेगा से, और हमें पता है डेल माइनस ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल ओमेगा के, ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब वन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या रहता है, ये मैंने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में प्रूव भी कराया था, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जरूरत है इससे करेंगे। अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, क्या होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक, देन अगर मैं उसमें ई की पावर जे ओमेगा नोट टी से मल्टीप्लाई कर दूं, देन क्या होता है इधर फोरियर ट्रांसफॉर्म में, फिर अगर यहाँ पे प्लस का तो यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नोट हो जाता है, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे हम, यहाँ पे देखो ई की पावर जे ओमेगा नोट टी आ रहा है, वन बाई टू, तो हम क्या कर देंगे बाद में लिनियरिटी प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, पहले मैं वन का मुझे पता है, ठीक है, वन का कितना है, वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म में कितना, टू पाई डेल ओमेगा। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ई की पावर जे ओमेगा नोट टी का, अगर फंक्शन में ई की पावर जे ओमेगा नोट टी मल्टीप्लाई वन करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्स टी में मैंने क्या करा, ई की पावर जे ओमेगा नोट टी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट की शिफ्टिंग हो जाएगी बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, प्लस का तो माइनस का होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, नेक्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वन बाई टू भी तो चाहिए, अब मैं बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी वन बाई टू का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे वन अपॉन टू ई की पावर जे ओमेगा नोट टी का चाहिए मुझे, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वन बाई टू का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आया, ई की पावर जे ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, वन बाई टू की मल्टीप्लाई कर दी इधर, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, वन बाई टू से तो यहाँ पे वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन टू ई की पावर
जे ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया, पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ऐसे ही 1/2। अब मुझे किसका चाहिए, एक पार्ट तो आ गया, एक पार्ट तो आ गया यहाँ का, ठीक है, 1/2 e की पावर जे ओमेगा नॉट टी का। अब माइनस का निकालना तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं इसको भी, सेकंड पार्ट के लिए अलग कलर यूज कर लेता हूँ। 1 का हमने अभी निकाला कितना आता, 2π डेल ओमेगा, ठीक है। और e की पावर मुझे क्या चलना, दूसरे वाले में e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी का निकालना, तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ओमेगा को किससे रिप्लेस करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से, ठीक है। अगर माइनस का होता तो प्लस से शिफ्टिंग होती है, और प्लस का होता माइनस से। अब मुझे 1/2 चाहिए तो अंतर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी कितना हो जाएगा, 1/2 2π डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट, 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल कर दूँ, तो मुझे ये कितना मिल गया, 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, राइट। अब मैंने दोनों पार्ट निकालनी है, इन दोनों पार्ट को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एक इसको और दूसरा इसको, दोनों पार्टों को ऐड कर दो, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, तो जब मैं इन दोनों पार्टों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 e की पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, कितना आ जाएगा, पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये किसका एक्सप्रेशन है, कोस का, तो ये हो जाएगा कोस ओमेगा नॉट टी, लिख लूंगा मैं इसको, ठीक है। तो इधर क्या कर लूंगा, मैं पाई कॉमन ले लूंगा, दोनों तरफ पाई आ रहा, ठीक है, पाई इस वाले को पहले लिख लो पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट वाला पहला आएगा, ठीक है, और दूसरा वाला जो उसकी पोजीशन बाद में आएगी, तो ये हो गया कोस ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैंने यूज किया था, ये तो ये यूज किया था, अगर वहां पे याद हो तो, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट, इस तरह से ये आता है फॉर्मूला, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इस तरह से ही हम निकालते हैं इसको। फिलहाल मैं देने वाला हूँ होमवर्क, साइन का आप खुद करेंगे, ठीक है, साइन का आप खुद करेंगे इसी तरीके से, हमें पता होमवर्क में कौन बताएगा, कमेंट करके साइन ओमेगा नोट टी का निकालेंगे, ठीक है, ओमेगा नोट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कमेंट करके बताएंगे सब, ठीक है, क्या होगा, मैं हिंट दे देता हूँ, साइन का जो एक्सप्रेशन जो उसका यूलर से लिखते हैं वो कितना होता है, ई की पावर जे थीटा प्लस ई की, सॉरी माइनस बीच में, ई की पावर माइनस जे थीटा अपॉन नीचे होता है इसका 2j, ठीक है, उसमें कोस में 2 होता है केवल, इसमें होता है 2j और यहाँ बीच में माइनस होता है, तो इसका यूज करके कोस साइन ओमेगा नॉट टी का निकालना, अगेन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का यूज करके, ठीक है, और कमेंट करके बताना, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।